सबसे पहले तो यानी मानूर वेलफेयर सोसाइटी ने जो इकदाम उठाया है और ये जो फर्स्ट टीचर्स अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है शहीद नवाब गौस बख्श एहसानी के नाम से, इस तरह के एफर्ट्स को मैं अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि एक एनकरेजमेंट है आपके उस्तादों के लिए जो अपनी ज़िंदगी एक स्टूडेंट को देखते हैं और वो स्टूडेंट जो है ना उन गोल्स को अचीव करते हुए ज़िंदगी के उन मकाम पर पहुंचता है कि एक टीचर के लिए यानी बायस फ़ख्र मकाम होता है। सेकेंडली जिस तरह मानूर वेलफेयर ने दूसरे इनके इनिशिएटिव्स हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को, आल्दो ये एक स्टेट की जिम्मेदारी होती है लेकिन कहीं कुछ अप्स एंड डाउन्स की वजह से कहीं पे लैकिंग चीज़ें कर जाती हैं, लेकिन इनका बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है कि वो स्टूडेंट्स को ना सिर्फ स्कॉलरशिप की मद में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो जिस तरह स्कूल की जितने भी चीज़ें हैं उनको दे रहे हैं, तो ये काफ़ी एक अप्रिशिएटेड उनका स्टेप है और बिल्कुल इस तरह के कामों को, इस तरह के वेलफेयर के कामों को हमें सपोर्ट करनी चाहिए जो स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए हों चाहे वो टीचर्स की हौसला अफजाई के लिए हों, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक हम तालीम के मैदान में आगे नहीं होंगे तो हम जो है ना कम्पीट नहीं कर सकते। देखिए यानी जो एक्ट यानी बिल हमारा जो आया था 2014 में, यानी वो यही था आर्टिकल 25 फ्री एजुकेशन फॉर ऑल के हवाले से कंपलसरी एजुकेशन कि हम जितने भी बच्चे होंगे हम उनको घर से लेकर स्कूल तक जितनी भी एजुकेशन है फ्री देंगे, लेकिन वही बात है कि कहीं पे कुछ चीज़ें लैकिंग कर जाती हैं, कहीं पे कुछ प्लानिंग्स लैकिंग कर जाते हैं जिसकी वजह से हम उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते। तो जैसे मैंने कहा कि स्टेट की जिम्मेदारी है और उसको स्टेट डिमार है, इसी तरह हमारा जो है ना बाकायदा टीचर्स डे मनाया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर और मेरे ख्याल इस साल भी मुख्तलिफ जगहों पर जो है ना टीचर्स डे का बाकायदा इनेकाद किया गया और बाकायदा मैं ख़ुद उन इवेंट्स में गई, बेस्ट टीचर अवार्ड्स थे, तो वो जो है ना बाकायदा इसका गवर्नमेंट लेवल पे काफ़ी हद तक काम हो रहा है। देखिए हमने ये पहला एक कदम उठाया है ताकि हम जो हमारे फीमेल टीचर्स हैं खासकर तो उनको इंकरेज किया जाए, क्योंकि हमारे फीमेल टीचर एक कबायली निज़ाम होने की वजह से दूसरी वजह से बहुत डिप्रेस रहते हैं और उनको ऐसे मौके नहीं मिलते कि वो आके आए अपने टैलेंट का आगे वो मुजाहरा करें। तो हमने ये कोशिश किया कि जो हमारे फीमेल टीचर्स हैं वो उनको एक कवरेज दिया जाए, उनको एक उनको प्रमोट किया जाए ताकि वो आइंदा आने वाली हमारी जो नस्लें हैं, जाहरी बात है कि एक टीचर एक माँ भी है और माँ और टीचर में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इन टीचर्स को हम आगे लेकर आएँ और इनके जितनी भी हमारे से मदद हो सके कबाली तौर पर हुकूमती तौर पर, जैसे मैडम शकीला ने अभी बात की कि जो इनके जो बस में होगा इंशाल्लाह ये हमारे टीचर्स हैं उनके लिए करेंगे। मानूर एजुकेशन वेलफेयर फाउंडेशन है, मैं उसका प्रेसिडेंट सैयद तैयब शाह। असल में देखें ये काम जो है वो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट जो है वो एक साल में एक प्रोग्राम करती है सलाम पाकिस्तान टीचर्स के, ठीक है। हमारा जो अदारा है वो गवर्नमेंट का भी काम कर रहा है, हम मुख्तलिफ स्कूल्स में जो फीमेल टीचर्स परफॉर्म करती हैं खासकर स्पेशल वुमेंस की मैं बात कर रहा हूँ जो परफॉर्म करती हैं उनको हम बेस्ट टीचर्स अवार्ड देते हैं, उनको हम ये बेस्ट टीचर अवार्ड उनकी परफॉर्मेंस पे हम उनको देते हैं। तो अब तक क्वेटा में कितने प्रोग्राम किए गए, कितने टीचरों को इस जी जी इस टाइम तक जो इस साल की मैं बात करता हूँ मैं लास्ट तो तकरीबन हम 200 से 250 जो फीमेल टीचर्स हैं, तकरीबन आप इस सेंट के हिसाब करें कि 20,000 में से हमने 200 फिलहाल टीचर्स को अवार्ड दिए हैं, ये बेस्ट परफॉर्मर टीचर अवार्ड दिए। देखें इसमें हमारे कोर प्रोजेक्ट है मानूर एजुकेशन में ही बलोचिस्तान वुमेन प्रमोट टैलेंट, जो बच्चियाँ मतलब जिनमें टैलेंट होता है लेकिन उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, वो मानूर एजुकेशन फाउंडेशन एक बलोचिस्तान वुमेन फाउंडेशन के एक प्लेटफॉर्म कर रहा है ताकि हमारा टैलेंट और प्रमोट हो।